नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास बाय भारती सर के ऊपर में स्वागत है। मैं हूं भारती सर, पटना बिहार से, और आज बात करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज। इस चैप्टर के ऊपर में दो वीडियो लेक्चर्स जो है वो बना कर करके 12th क्लास के ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए, जिसमें पहले वीडियो क्लास में हम जाने थे बहुत सारे क्रियाकलापों के बारे में, उसमें से प्राथमिक क्रिया और प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत एक क्रिया भोजन संग्रह के ऊपर में हम लोग विस्तार से जाने थे, उनकी विशेषता को भी देखे। दूसरे वीडियो क्लास में आपको भोजन संग्रह के वर्ल्ड में जो जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों को आपको वर्ल्ड मैप पे जो है वो दर्शाए गए थे, बताए गए थे। और आज की बात कर ले तो आज अगला प्राथमिक क्रियाकलाप के एक भाग जिसको पशुचारण कहते हैं इसको देखेंगे, फिर इसके बाद के जो वीडियो होगा वो कृषि के ऊपर में भी होगा, और ऐसे कृषि के सारे प्रकार को खत्म करेंगे तो उसके बाद फिर खनन वगैरह इसे पढ़ाएंगे, तब जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, बात कर ले पशुचारण के तो इसको दो वर्ग में बांटा गया है, एक चलवासी और दूसरा वाणिज्य पशुधन पालन। लेकिन इन सभी से पहले दो मिनट बिल्कुल आराम से आप पहले बात को समझेंगे। पिछले वीडियो क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि भोजन संग्रह, भाई भोजन संग्रह मानव की पहली यानी पूरे विश्व में मानव की पहली जो है वो ज्ञात आर्थिक क्रियाकलाप है जिसको कहते हैं भोजन संग्रह। भोजन संग्रह में क्या क्या पढ़े हम लोग कि शुरुआती दौर में मनुष्य जब इस धरती पर आए थे तो वो क्या करते थे, वो पत्थरों के औजार बनाते थे, और पत्थरों के औजार के आगे कभी कभी क्या होते थे कि जब कास्ट वगैरह ये सब का जब टाइमिंग आया था तो वो कुछ धातु को आगे नुकीली लगा देते थे और भाला उला टाइप के बना लिए, उनसे फेंक करके जानवरों को मारते थे, और इस तरह से वो भाले बना कर करके यानी बड़ा निम्न स्तर का तकनीकी उनको ज्ञान था उसका इस्तेमाल करते थे और आराम से जानवरों का वो शिकार करते थे। इसके अलावा अगर बात कर ले तो वो जंगलों में कंदमूल इकट्ठा करते थे, कुछ दिन तक उसको रखते थे, और यही है भोजन संग्रह करना। धीरे धीरे मनुष्य को ये एहसास होने लगा कि केवल भोजन संग्रह से जो है वो जीवन गुजारे नहीं जा सकते। मनुष्य की आबादी बढ़ने लगी टाइम टू टाइम, और उनको ये एहसास होने लगा क्योंकि कई बार जंगल जो है जंगल के कंदमूल खत्म हो जाते, जंगल के जो जानवर होते थे जीव जंतु उनका शिकार कर करके ये लोग खत्म कर देते थे, नए जगह की तलाश में जाएं कहीं मिले तो कहीं ना मिले जीव जंतु या फिर कंदमूल। तो ये मनुष्य को एहसास होने लगा कि केवल भोजन संग्रह से जो है वो जीवन नहीं गुजर सकता है। तब इन्होंने याद रखेंगे पशुपालन के ऊपर में विचार किए कि भाई पशुपालन कर लेते हैं। अब ये पशुपालन में अगर बात कर लेंगे तो यहां पे अब समझने वाली टर्म है, वर्ल्ड में अगर देखें तो सारे जो जगह है वहां पे एक जलवायु तो नहीं पाई जाएगी, या तो आपको 9th क्लास में पढ़ना है, कहीं के मानसूनी जलवायु होगी तो कहीं जो है गर्म इलाका होगा, कहीं बहुत ज्यादा ठंडे इलाका होंगे, तो वर्ल्ड में लगभग जो है जलवायु में भी काफी विभिन्नता है, अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु, और अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में लोग थे तो वो अपने जलवायु के अकॉर्डिंग उनको ज्ञान था, जब जलवायु चेंज रहेगी तो अलग अलग जगह पे पशुओं के वैरायटी भी आपको चेंज दिखेगी। ये जरूरी नहीं कि सभी जगह हमको बकरी ही मिल जाए, सभी जगह गाय ही मिल जाए, सभी जगह बैल मिल जाए, सभी जगह भैंस मिल जाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म के जानवर हैं। तो इन लोग अपने जलवायु के अकॉर्डिंग जो है वो ज्ञात किए कि किन पशुओं को पालना उचित होगा, क्योंकि पशु को पाल करके खाली उसको चारा देके खिलाना नहीं ना है, उसकी संख्या नहीं बढ़ाना है, उससे हमारा जीवन निर्वाह हो सके, ये ध्यान से सुनेंगे। तब मनुष्य खास करके ऐसे जानवरों को चूज किया जो या तो उनसे मांस मिल सके, या तो उनसे ऊन मिल सके जिनसे वस्त्र वगैरह बनाए जा सके, या तो उनसे दूध वगैरह मिल सके। कुछ ऐसे जानवर होते थे जिनको बाजारों में वस्तु विनिमय के कगार पर भी यूज किए जाते थे, आदान प्रदान वस्तु एक्सचेंज वाला में। तो इस तरह से ऐसे जानवर जिनसे हमारा जीविका चल सके, हमारा जीवन यापन उससे हो सके, तो ऐसे अलग अलग जलवायु में ऐसे ऐसे जानवर उपलब्ध थे, उनको वो पालना क्या किए शुरू किए, तो उसी को कहते हैं हम लोग पशुचारण। तो ये धीरे धीरे पशुचारण चलते गया, और जब आज वर्तमान युग में काफी सारे तकनीकी ज्ञान हो गए, वर्ल्ड दुनिया बहुत आगे चल गई, तो अब इसी को इसमें भी व्यावसायिक रूप दिया गया, ये ध्यान से सुनेंगे। जैसे भोजन संग्रह शुरू में अपने जीवन गुजारने के लिए लोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया वो भोजन संग्रह वाले हम देखे थे कि उनके क्षेत्रों को व्यापारीकरण से जोड़ दिया गया, लेकिन ये भी देखे थे कि वो व्यापारीकरण आज आर्टिफिशियल जो वस्तुएं बनते हैं उद्योग धंधे में केमिकल से जो वस्तुएं बनाते हैं उनके आगे वो जो नेचुरल गुड्स है वो टिक नहीं पा रहे,
सर बात ना, तो सारी बातों को आपको बताते चल रहे, अब ध्यान से सुनेंगे। अब जब यही लोग पशु तो पालेंगे आज बढ़ती हुई दुनिया में आधुनिक युग में, याद रखेंगे, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे आप वीडियो को शुरुआती में देखे थे कि काफी सारे जानवर है, एक ही जानवर है और उसको जो है कि चारे देने का जो व्यवस्था वो गाड़ी से दिया जा रहा है, तो आज लाभ कमाने के लिए एक साथ काफी संख्या में अधिक से अधिक पशुओं को पाला जा रहा है, अपने जीवन गुजारने के लिए नहीं। तो वो हो गया आपका वाणिज्य पशुधन पालन, अब ये ध्यान सुनेंगे। लेकिन केवल हमारा दिनचर्या लगभग चल जाए जिस पे हमारी जीवन जो है वो निर्भर करती है, तब वो है चलवासी पशुचारण। यानी पशुचारण के हम दो वैरायटी इसमें पढ़ेंगे, एक है, याद करिए जल्दी से, एक है आपका चलवासी पशुचारण और दूसरा है आपका वाणिज्य पशुधन पालन। अब ये ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले चलवासी को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको वाणिज्य पशुधन पालन याद हो जाएगा। अब ध्यान सुनेंगे, जब चलवासी पशु चारण की बात करते हैं तो ये प्राचीन, ध्यान सुनेंगे, प्राचीन जीवन निर्वाह का ये एक व्यवसाय है। जैसा कि आप जाने कि भोजन संग्रह के बाद मनुष्य का अगर कोई जीवन निर्वाह के लिए अगर कोई व्यवसाय है, कोई काम है, तो वह है पशु पालन। तो ये प्राचीन काल में ही ये व्यवसाय जो है ये मनुष्य से जुड़ा, तो यही चीज लिखे कि प्राचीन जीवन निर्वाह का ये एक व्यवसाय है। क्लियर यहां तक? अब ध्यान सुनेंगे, इसके और पॉइंट्स को समझेंगे आप, ये ध्यान सुनेंगे, आप इसको विशेषता नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कई कमियां जो है इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो ये इसको हम मिटा देते हैं। अभी ध्यान सुनेंगे, इन्हें अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार चारे व पानी की जानकारी इसकी तलाश में एक स्थान से ये दूसरे स्थान तक आते जाते हैं। बढ़िया से सुनेंगे, ये है चलवासी। अभी तक कोई चलवासी ही नहीं समझ रहे हैं तो मेरे साथ ये ध्यान से सुनेंगे। अगर आप लोग के इलाका में आप किसी भी गांव घर से बिलोंग करते हैं, खास करके बिहार के जो बच्चे होंगे या उत्तर प्रदेश के बच्चे होंगे, तो उनके यहां देखेंगे क्या कि कुछ लोग खेती बाड़ी का भी काम करते हैं और कुछ लोग दो चार जानवर भी पालते हैं। लेकिन वो दो चार जानवर इसलिए पालते हैं क्योंकि हमारा जीवन जो है वो गुजर सके। आप ध्यान से सुनिएगा बात को, लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा कि उनके साथ उनके घर में देखेंगे तो एक दो गाय है तो एक दो आपको भैंस भी मिल जाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे जिनके यहाँ खास करके गाय ही ज्यादा मिलेंगे और जिनके यहाँ खास करके या फिर जो है वो भैंस भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एक चीज गौर किए हैं कि दो चार अगर भैंस है या दो चार गाय है या भैंस या गाय दोनों मिक्स है, तो साथ साथ कुछ और भी जानवर होते हैं लगभग, जैसे एक दो बकरियां जो है कि वो पाल लिए या फिर कुछ और ऐसे जानवर वो पालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए अगर हम करते हैं तो एक साथ कई जानवरों को हम लोग पाल लेते हैं, याद रखेंगे। लेकिन अगर यही कोई आदमी बड़े बड़े फार्म हाउसों में बड़े बड़े भूभागों पर अगर एक साथ एक एक किस्म का जानवर काफी संख्या में पाला जा रहा है तो वो बिजनेस स्तर का है, तो वो तो हो जाएगा आपका वाणिज्य पशुधन पालक। लेकिन हम कह रहे जीवन गुजारने के लिए आज भी ये ग्रामीण सेक्टर में होते हैं कि चलो खेती बाड़ी से कुछ अनाज ही आ जाएंगे, उनसे हमारा काम हो जाएगा। और खेती बाड़ी जब करते हैं तो हम जानवर के लिए अलग से चारे की व्यवस्था नहीं करना पड़ता है, खेती बाड़ी करते हैं तो भूसा उसा कुट्टी उट्टी सर बात ना, वो हम कुछ जमीनें खाली होते हैं तो उसमें जानवरों के खाने के लिए चारे उगा देते हैं किसी खास टाइम में, उससे ये जानवर की खान पान जो है वो पूरा हो जाता है। और ज्यादातर यही हो जाता है कि जानवर को हम निकालते हैं सुबह और शाम दो टाइम, जानवर को छोड़ देंगे खुटहा पर से एकदम हटा दीजिए तो जानवर अपने रफ्तार धर लेगा कि ने हमको डेली जाना है, उन्हें चल जाएगा। आज जानवर को जो चराने वाला आदमी है उसको अपने क्षेत्र में इतना भर मालूम है कि किधर आज घास पास मिलेगा, किधर मोरी देवा गया केने हो गया, किधर इलाका सूखा है केने हरियर हरियर घास है, चारे किधर मिल सकते हैं, उनको अपने एरिया में जानकारी होते है। तो जो जानवरों को हम बाहर ले जाकर करके और प्राकृतिक आवास की तरह एकदम प्राकृतिक के गोद में जब चराते हैं, जंगल झाड़ पतई हरी भरी घास के मैदानों में जब जानवरों को चराएंगे तो वो कहलाएगा चलवासी, ये ध्यान से सुनेंगे। लेकिन जब हम जानवरों को बाहर नहीं ले जाके किसी घास के ही बड़े बड़े मैदान में उसको हम पालन करेंगे या फिर बड़े बड़े फार्म हाउसों में पैसे के हिसाब से, तो वो कहलाएगा आपका वाणिज्य पशु धन। अब ये ध्यान से सुनेंगे तो वही चीज लिखे कि इनमें अगर जो पशु चराने वाले लोग हैं तो उनको अपने क्षेत्र में अपने एरिया में मौसम के अनुसार किस तरह के ऋतु है, कहाँ घास वगैरह होगा या नहीं होगा, तो मौसम के अनुसार उनको एक तो चारे और दूसरे पानी, इन दोनों की जानकारी उनको होती। और कई बार उनके इलाका में वो खत्म हो जाते हैं चीजें, मौसम दूसरा आ गया, जैसे बहुत गर्मी का टाइम आ गया
और उनके इलाका में हरी भरी घासें खत्म हो गई तो वो क्या करते हैं कि गर्मी के इलाका में पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान सुनेंगे, अक्सर ये देखा गया है कि मैदानी वाले क्षेत्रों में जो पशु चारक है, जो पशु को चराने वाले हैं, वो गर्मी के दिनों में ग्रीष्म काल में कहां चले जाते हैं, तो पर्वतीय इलाका में, क्योंकि पर्वतीय इलाका का तापमान थोड़ा सा कम रहता है मैदानी वाले भागों की अपेक्षा। तो वो अपने जानवरों को लेकर के, क्योंकि देखिए जानवर से ही उनका चर रहा है तो परमानेंट कहीं रह नहीं रहेंगे। और यही तो है कि जब तक मनुष्य केवल जानवर चरा रहा था, केवल जानवर पर निर्भर था, तो मनुष्य कबीलाई जीवन जीता था, माने उसका परमानेंट एक जगह घर नहीं होता था। क्यों भाई, इधर चरा रहा है, चारा रहा है, और इधर के आसपास के इलाका में चारा पानी की व्यवस्था खत्म हो जाए तो भाई पशु को केवल तो लेके नहीं रखेगा, पशु को चारा पानी मिलेगा तब तो पशु से व्यक्ति का जीवन निर्वाह होगा। तो वो क्या करते थे आदमी कि अगर एक एरिया का चारा खत्म हो गया, पानी वगैरह नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वो चारे की तलाश में दूसरे जगह चले जाते थे। तो जब तक मनुष्य एक जगह नहीं रहेगा, अस्थाई रूप से सबके लोगों के बस्तियां नहीं बसनी शुरू हो जाएंगे, लोग सब तरीके से नहीं रहना शुरू कर देंगे, तब तक कोई सभ्यता नहीं आएगा। और इसीलिए ध्यान सुनेंगे, सभ्यता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मनुष्य खेती बाड़ी का काम करने लगे। जब मनुष्य खेती बाड़ी करेगा तो उसको अस्थाई रूप से एक जगह रहना पड़ेगा, और जब अस्थाई रूप से रहना पड़ेगा तो बहुत सारे लोग अपने अपने घर बस्तियां बनाना शुरू कर देंगे, काफी सारे जरूरत होंगे, काफी सारे जरूरत के काम वाम करने वाले लोग आ जाएंगे और ये एक सभ्यता का रूप ले लेगा। तो ये ध्यान से सुनेंगे, जैसे हम आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाते आ रहे थे कि कुषाण के शासन काल में बताए थे कि इधर से जो कुषाण महान युची कबीला से जिसका कुषाण का उदय हुआ है, तो वो क्या है भाई कि इधर निकल करके और भारत में आया, अलग अलग क्षेत्र में लड़ा भी था, वो किसके लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, चारे की तलाश में जा रहा था। इसके अलावा आप बहुत सारे सेक्टर में पढ़िएगा कि इधर शुरू शुरू के दौर प्राचीन काल में कि काफी संख्या में कबीला लोग जो है अपने जानवरों को लेकर के, और उधर का चारा खत्म हो गया था तो दूसरे इलाका में जाते थे। तो ये ध्यान से सुनेंगे, आखेट के बाद का ये क्रियाकलाप है मानव की दूसरी क्रियाकलाप टाइप आप समझ सकते हो, इसको कहते हैं पशु चारण। तो इसमें जो पशु चराने वाले लोग होते हैं उनको मौसम के हिसाब से चारे और पानी की अच्छी गुणवत्ता वाली उपलब्धता की जानकारी उनको होती है, और कभी कभी इसकी तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। केवल टर्म को समझेंगे, आपको कोई ज्यादा नोट डाउन करने की यहां आवश्यकता नहीं है। दूसरी बातें कर ले तो कहते हैं कि हिमालय के क्षेत्र के चलवासी, जैसे आप कुछ चलवासी के समुदाय है इनका नाम याद रखेंगे, जो पशु आज भी जो है लोग वो चराने का काम करते हैं, जिनका नाम है गुज्जर या फिर इनका नाम है बकरवा, दोनों अलग अलग है, बुक्स में भी दिया हुआ है, बढ़िया से सुनेंगे। हिमालय के क्षेत्रों में जो जानवर को चलाने वाले हैं जिनको कहते हैं चलवासी, जिनमें चलवासी में नाम आता है एक तो गुज्जर, दूसरा बकरवाल और तीसरा गद्दी। ये जानवर का नाम नहीं है, ये ध्यान सुनेंगे, पशु को चराने वाले जनजाति लोगों का नाम है, और ये एक ग्रुप्स में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, और ये अपने पशुओं को, जो भी पशु है अपने अपने इलाका में, उसको वो क्या करते हैं, पालते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक और याद रखेंगे, भूटिया नाम है, भूटिया नहीं समझिएगा, तो भूटिया, गद्दी, बकरवाल और गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया, ये जो समूह है ये काफी सारे जानवरों को जो है वो हिमालय के क्षेत्र में पालते हैं। तो जब गर्मी का टाइम आता है ग्रीष्म काल में, तो ये क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में पर्वतीय एरिया में चले जाते हैं, ऊंचाई पर जाकर के जानवरों को चराते हैं, और जब ठंडे के टाइम आता है तो पर्वतीय इलाका में थोड़ा सा शीत ज्यादा गिरता है, ठंडी वातावरण रहता है, तो ये जानवरों को घाटी वाले इलाका में, समतल मैदानी वाले भागों में लेकर के आ जाते हैं। ये ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि इन्हें प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं, जो चलवासी पशु चारण है भाई, इसमें जानवरों की जो लालन पालन हम करते हैं वो एकदम प्राकृतिक रूप से, यानी एक घर में ही व्यवस्था नहीं। आज बहुत हो गया है कि बाहर चारे का क्षेत्र धीरे धीरे कम रहा है, सारी जमीन धीरे धीरे कृषि भूमि में तब्दील हो गया है, जंगल झाड़ जो होते हैं वो कटने लगे हैं, कहीं इंडस्ट्री लग गया है तो कहीं सड़कें बन गए हैं, तो अब पशु को चराने के लिए जगह कम गया है। आप देखे होंगे गांव में हमेशा ऐसा होता है कि कोई जानवर खोल दिया और चलवासी पशु चारण है, प्राकृतिक के हिसाब से उसको पालते हैं, तो देखे होंगे कि भैंस चरावे वाला आदमी क्या करता है, खुटहा पर से भैंस छोड़ दिया, अब भैंस जो है कि अलग अपने मिजाज में चर रहा है, ओकरा अपने मालूम हो जाएगा, पेट भर जाएगा, अपने आरी तर से सूंघते सूंघते अहरी में उतर जाएगा, उन्हीं पानी पी लेगा। आप भैंस चरावे वाला के देखिएगा, भैंस खुले है उन्हें, आप अपने जाकर के उन्हें फेदा काट रहा है,
पूरा एकदम जैसे कि चार गो पांच गो लइकन के ग्रुप से लेकिन अलगे फेदा एकदम उतार के काट ले है बढ़िया से आकर भैंस सब जितना लेकिन चरावे वाला है उस सब के भैंस अपने से चारा उरा खा उ के पानी उनी एकदम हरी में पी के बोरल एक तुरा फेदा उदा भैंस के ऊपर में लादा आ खुद अपना हूं लद गया आ एकदम धीरे धीरे डोलटे एकदम मिजाज से घरे आ जाता भैंस देखिएगा तो भैंस 10 गो 15 गो 5 गो 8 गो ऐसे आ चरावे वाला एगो अहू में देखिएगा कि बच्चा 8 साल के 10 साल के बच्चा 12 साल के बच्चा आ बड़ा गो भैंस भैंसे बड़ा आ बच्चे छोटा आ एकदम मिजाज में चरा करके लेके आया खुटहा पर फिर बांध दिया आ पानी उनी तनी एक बार बढ़िया से पियाया फिर लगा दूध निकाल। तो ये ध्यान से सुनेंगे इसको बड़े अस्तबल में रख करके और वैज्ञानिक तरीके से इसको पालन उलन नहीं किया जाता इसीलिए ग्रामीण इलाका में बड़ा इमोशनली बात कभी कभी आ जाती है कि ग्रामीण इलाका में आप अक्सर देखिएगा कि उसी पर उस घर परिवार का जीवन जो है वो चलता है निर्भर है। तो ग्रामीण इलाका में जिसका अगर भैंस मर जाए तो उसके यहाँ हो सकती है कि जो घर की माताएं हैं पिता है बड़ा टेंशन में आ जाते हैं काहे भाई ये भैंसिया थी तो दूध देती थी रोजा लगता था तो 2000-3000 के महीना आ जाता था अरे एको लोटा दो लोटा बढ़िया से दुहा गया दूध के लिए दुहा गया तो 50 रुपये किलो है तो 3000 रुपया के तो महीना दे ही रहा है तो काम भर लालन पालन घर का सब चल रहा जीवन निर्वाह अब भैंसिया मर गई 3000 के खत्म यहाँ पे धरती पे दुख कब होता है दुख ओकरा से ज्यादा होता है जेकरा से पूरा कमीनी था सब पूरा ऐसो आराम से चल रहे थे लेकिन मेन कमाई वाला आदमी टपक गया तो दुख ज्यादा होगा कड़ा आज निकम्मा है अगर उ जाएगा तो दुख कम होगा बीमारियां है ढेर पैसा चाव रहा था महीना में इलाजे करते करते 1-2 लाख ओकरा पर खर्चा है अगर औसन आदमी जाएगा तो कि जाए दू भगवान तनी ऐसू दुख हली ओकरा आज जे खूब पैसा छापे वाला आदमी है अगर वो गलती से टपक जाएगा तो सबसे ज्यादा दुख ओकरे होगा। तो ग्रामीण एरिया में आप अक्सर देखिएगा कि भैंस जो जानवर उनवर पालने वाले हैं भैंस है गाय है एक आध दो गो भैंस अगर बीमार पड़ करके अगर चल बसे तो पूरा एक आध दो दिन तक खाना नहीं खाएगा ऐसा घर में माहौल हो जाएगा जैसे लगता है कि कोई आदमी डेथ किया सॉरी बात ना तो इमोशनली जुड़ाव भी हो जाता है। ये ध्यान से सुनेंगे इनको एक जगह स्तबल में रख के एक जगह चारे पानी की व्यवस्था करा कर करके और अगर बीमार पड़ जाए तो अच्छा ट्रीटमेंट कराया जाए ऐसी व्यवस्था चलवासी पशु चारण में नहीं होते ऐसी व्यवस्था जो होते हैं वो वाणिज्य पशुधन पालन में होते हैं चूंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से ही जो है से कि काम लिए जाते हैं। ये लोग तो बड़ा बड़ा स्तर पर जो है से कि एकदम फार्म बना कर करके सैकड़ों हजारों की संख्या में जानवरों को एकदम पाल कर करके अब खूब वर्ल्ड स्तर पर जैसे कि बिजनेस करते हैं। न्यूजीलैंडिया वाला में हम आपको पाइपलाइन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि न्यूजीलैंड में जो पाइपलाइन है उससे काफी संख्या में फार्म वाले क्षेत्रों से दूध को शहरों तक पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है सर बात बहुत बड़े स्तर पे दूध का पालन होते हैं तो काफी सारे वहां जानवर होते हैं अच्छे नस्ल वाले जानवर उसमें रखे जाएंगे जानवरों का थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होगा तो उच्च स्तर का ट्रीटमेंट चलेगा इलाज बढ़िया। बहुत सारे तो बिजनेसमैन क्या करते हैं ना कि अपना एक पर्सनल डॉक्टर रख ले मैंने भैंस 100-200-500 पाले है भैंस आ खूब एकदम दूध देने वाला डेली एकदम खूब एक भैंस 15 लीटर 20 लीटर एकदम दुहा रहा है 30-30 लीटर दुहा रहा है तो ओकरा ला खूब बढ़िया चारे पानी की व्यवस्था कैले है खूब बढ़िया एगो पर्सनल डॉक्टर रखले है कि कोई भैंस गड़बड़ाए तो ओकरा एकदम सुई साई भोंक करके इलाज करके ठीक कर दीजिए तो उसको उस तरह का इनकम भी है। लेकिन ये चीजें लगभग जो है वो जिनसे केवल जीवन यापन करने के उद्देश्य से कोई जानवर पा रहे हैं तो उनके यहाँ इस सब चीजों का अभाव होता है तो हम आपको यही अभी पढ़ा रहे हैं ध्यान सुनेंगे। आगे कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं अर्थात इनमें पशु जो होते हैं वो पूर्णतः प्राकृतिक वनस्पतियों पर ही क्या होते हैं सर तो निर्भर होते हैं प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा चीजें हो गया जो खेती बाड़ी करते हैं कुछ ऐसे टाइम में जहाँ पे घास वास सब सूख जाते हैं अब वो बाहर ले जाएंगे चराने के लिए तो कुछ रह नहीं जाते हैं खाने पीने के लिए जानवरों के तो वो कुछ दिनों तक तो उस ऋतु में जो है से कि खेतों में लगा देते हैं उसको काट करके लाते हैं और आराम से खिलाते हैं। ठीक है चलिए आगे ध्यान सुनेंगे एक साथ या एक समय विभिन्न पशुओं को भी इसमें रखा जाता है जैसा कि पहले डिस्कस कर लिए कि कुछ और जानवर है तो कुछ और जानवर है ये आपका चलवासी में होता है जबकि वाणिज्य पशुधन में कोई एक अच्छे नस्ल के जानवर को पाल ले जाते हैं जिससे ज्यादा बेनिफिट हो सके। अब इसमें अगर क्षेत्र की बात कर लेंगे क्षेत्र और जानवर तो जैसा कि बताएं कि जलवायु अलग अलग है तो अलग अलग जलवायु वाले इलाका में अलग अलग जानवर पाए जाएंगे तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही होता है सर। कहते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का इलाका है याद रखेंगे जो गर्म प्रदेश है अफ्रीका का ये जो भाग आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका यहां पर दो प्रमुख जानवर है जिसको कहते हैं गाय और बैल।
अब ध्यान सुनेंगे, जो सहारा और थार मरुस्थल वाला इलाका है इधर ही सहारा आपको मिलेगा, और ऐसे आप ध्यान से सुनेंगे काफी सारे ऐसे बात कर ले तो ये अफ्रीका से होते हुए ईरान है, इराक है, ऐसे मध्य एशिया मंगोलिया तक के क्षेत्रों में याद रखेंगे इस तरह के पशुपालन निर्भर, जिसको आपके बुक्स में क्षेत्र में तीन क्षेत्रों को बांट करके एक क्षेत्र इधर दिया है और एक क्षेत्र आपका इधर यूरोपीय वाले क्षेत्रों में ऊपर ठंडे प्रदेशों में और एक आपका मकर रेखा के नीचे इधर अफ्रीका के पश्चिमी वाले भाग से इधर पे आपको मिलेगा मेडागास्कर और ये मेडागास्कर तक है। तीन क्षेत्र दिया गया है, एक क्षेत्र, दो क्षेत्र और तीन क्षेत्र, इसको वर्ल्ड मैप पे समझ सकते हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ध्यान सुने, केवल आपको समझना है, सुनना है। तिब्बत और एंडीज जो पर्वत इकाई इलाका है, तिब्बत आप जा रहे हैं भारत के जस्ट बगल में, नेपाल के ऊपर जाएंगे तिब्बत जो कि अब चीन के कब्जा में आ गया है, तो इधर तिब्बत और एंडीज पर्वत के तरफ बात कर लेंगे। तो ये दो जानवर है याक और लामा। देखिए सहारा और मरुस्थल, थार मरुस्थल का जो इलाका है वहां भेड़ है, बकरी है और ऊंट है, ये प्रमुख जानवर है, इन्हीं को ज्यादातर लोग पालते हैं। लेकिन तिब्बत और एंडीज पर्वतीय वाले जो क्षेत्र है इलाका में, थोड़ा ठंडे प्रदेश भी हो जाते हैं, ऊंचाई वाले भाग है, पर्वतीय इलाका, तो यहाँ पे याक पाले जाते हैं और लामा पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं याक, इसके अलावा आप लामा को भी देख सकते हैं, लामा किस तरह का होता है। और याद रखेंगे जो आर्कटिक और ध्रुवीय प्रदेश है, जैसे हम यहाँ पे बताएं ये 66.5 डिग्री है और 66.5 डिग्री के अगर और ऊपर में चले जाएंगे तो 90 डिग्री जो बनता है वहां पे सूर्य की रोशनियां नहीं आती है। सर याद रखेंगे सूर्य की रोशनियां नहीं आती है, जैसे अब यहाँ पे सिंपल अगर हम आपको बता दें कि ये पृथ्वी है और इधर से एक टॉर्च है जिससे प्रकाश जा रहा है, ऐसे आप मान लो तो ये प्रकाश जा रहा है, तो यहाँ पे जो नीचे 90 डिग्री का ये जो इलाका है, ये ध्रुवीय वाला इलाका, ये याद रखेंगे सूर्य की रोशनियां ऐसे चली जाती है तो यहाँ पे नहीं पड़ती है, यहाँ पे नहीं पड़ती है, तो इसके कारण याद रखेंगे यहाँ एकदम ठंडा प्रदेश होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसको कहते हैं ध्रुवीय प्रदेश। तो ध्रुवीय प्रदेश में आर्कटिक ध्रुवीय वाला इलाका या फिर उत्तरी ध्रुवीय वाला इलाका कर लीजिए, इन क्षेत्रों में आर्कटिक क्षेत्र ध्रुवीय इलाका में जो बर्फीले भाग है यहाँ पे रेंडियर जानवर पाले जाते हैं। कौन सा जानवर पाले जाते हैं? रेंडियर। आप देख सकते हैं रेंडियर जानवर का चित्र भी, ठीक है, किस तरह के होते हैं। अब ये ध्यान सुनेंगे, अब एक सवाल आता है कि चलवासी पशु चारकों की संख्या में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमी आ रही है, चलवासी पशु चारकों की जो संख्या है ये दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, ऐसा क्यों? कारण बताना है आपको, आखिर क्या कारण है? तो कई कारण है, बुक्स में दो कारण आपको दे रखे हैं, उसको पहले देखते हैं। देखिए राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण हो जाना, पहले क्या था ना कि जब कबीलाई जीवन जीते थे, सारे देश में लोग कबीलाई जीवन जाते थे, सब जगह लोग रहते थे, तो केवल जानवर इधर से उधर पालते थे, तो उस समय क्या है कि कोई अगर इधर मध्य एशिया या चीन के साइड में अगर कोई जानवर पाल रहा है तो इनके चारे खत्म हो जाते थे, तो ये अपने जानवरों के साथ ये आगे बढ़ते बढ़ते ये दूसरे क्षेत्र में आ जाते थे, भारत में। अब इसको भारत में आ जाए, चाहे इधर ईरान आ जाए, इराक में आ जाए, इनको कोई जानवर को लेकर के जाने में, दूसरे जगह पे जाने में किसी तरह का कोई वीजा, पासपोर्ट, ये सब की जरूरत नहीं होती थी। दूसरे क्षेत्र में जाते थे या तो बढ़िया से चारा मिल जाए, और नहीं तो अगला अगर मार रहा है तो उसमें लड़ाई होते थे, कबीला लोग अपने लड़ते थे, कबीला के सरदार लड़ाई हुआ और फिर कबीला जीत गया, दूसरे चारा वाले पर कब्जा कर लेता था, यही कामें चलते रहती थी। लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, अब वर्ल्ड में क्या हो गया है कि चलवासी पशु चारक एक क्षेत्र में अगर इनकी चारा खत्म हो जाए तो वो दूसरे देशों में नहीं जा सकते। अगर पाकिस्तान पंजाब में अगर है तो इधर खत्म हो जाएगा तो वो पाकिस्तान में नहीं घुस सकते हैं चारे की खोज में। आप पाकिस्तान में जाएंगे तो भाई वहां वीजा पासपोर्ट का समय आ गया, तो सभी देशों का अब कहीं ना कहीं सीमा क्या हो गया, निर्धारण, सीमांकन हो गया, ठीक है। तो इसके कारण भी चलवासी पशु चारकों की संख्या में कमी आ रही। इसके अलावा चरगाहों को नई नई बस्तियां में बदलाव कर दिए गए हैं, जो चारे के जो इलाके थे खुले बड़े बड़े घास के मैदान हुआ करते थे, जहां पे खूब जंगल झाड़ होते थे, आराम से आप जानवरों को ले जाके चरा सकते हैं, लेकिन अब उन क्षेत्रों को धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है आर्थिक दृष्टि से देश को मजबूत करने के लिए, या तो उन क्षेत्रों से होकर के रेलवे पटरियां, रेलवे लाइनें गुजर गई है, या फिर उन क्षेत्रों से होकर के पक्की बड़ी चौड़ी सड़कें बना दी गई है, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा दिए गए हैं, तो जो चारे वाले जो इलाके थे कहीं ना कहीं उनमें कमी आ जाने के कारण भी चलवासी पशु चारकों की संख्या में क्या हो रही है, कमी आ रही। तो ये हम लोग को पशुपालन के बारे में जानना है और इसको हमें उम्मीद करते हैं कि अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं होगा। वाणिज्य पशुधन पालन ये लाभ के दृष्टि से किए जाते हैं तो खास करके उन देशों में ही किए जाएंगे जो देश पैसे वाले हैं, धनी है, और जो विकसित है। विकसित देशों में याद रखेंगे वाणिज्य पशुधन होते हैं, जबकि विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में बात कर लेंगे तो वहां चलवासी पशु चारक होते हैं।
ठीक है। बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।